अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम बात करने लगे हैं अपेंडिसाइटिस के बारे में, और बेसिकली हम बात करेंगे उसके स्कोरिंग सिस्टम के, ठीक है। तो अल्वेराडो स्कोर हमारे पास एक बड़ा ही जाना माना सा नाम है, अल्वेराडो स्कोर, जो कि अगर आप मतलब सर्जिकल वार्ड्स में जाएँ या फिर इवन इमरजेंसीज़ वगैरह जो होती हैं वहाँ पर जो है बड़े बड़े करके लिखा हुआ होता है अल्वेराडो स्कोर, ठीक है। और मेंटल्स की जो न्यूमोनिक है ये भी हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो अल्वेराडो स्कोर बेसिकली मिनिमम स्कोर इसका 1 होता है और मैक्सिमम स्कोर इसका 10 होता है, ठीक है। और जितना कम स्कोर होगा उतना अपेंडिसाइटिस जो है वो लीस्ट लाइकली है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी न्यूमोनिक्स जो कि हमारे पास है मेंट्रल्स, जो कि जिसके बेस पे अल्वेराडो स्कोर को हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली कि मेंट्रल्स हमें दिख रहा है MENTRELS, ठीक है। एम स्टैंड फॉर माइग्रेटरी पेन, ठीक है। ये पेन माइग्रेटरी इन नेचर होता है। सबसे पहले आपको जो है ना एपिगैस्ट्रिक रीजन में थोड़ा सा पेन महसूस होगा, फिर आपको लगेगा कि वो राइटवर्ड्स ट्रेवल कर रहे हैं नीचे, ठीक है। मैकबर्नी पॉइंट्स जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो वो एपिगैस्ट्रियम से पेन जो है थोड़ा बहुत स्टार्ट होगा, कंपनीड विद नाउजिया एंड वॉमिटिंग, जिसे हम आगे डिस्कस करते हैं इन द न्यूमोनिक, ठीक है। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ माइग्रेटरी पेन, ठीक है। ये एक जगह पे कांस्टेंट किस्म का पेन नहीं होगा, माइग्रेटरी इन नेचर होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एनोरेक्सिया की। तो गाइज, एनोरेक्सिया इज अ लॉस ऑफ एपेटाइट। हमें पता है कि अपेंडिक्स के अपेंडिसाइटिस के पेशेंट्स जितने भी रिपोर्ट होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो एक प्रॉब्लम होता है वो एनोरेक्सिया का होता है, साथ में नाउजिया का प्रॉब्लम होता है। तो ये हमें साथ में याद करने हैं इनके पॉइंट्स जो हम इनको अलॉट करते हैं हर एक प्रेजेंटेशन के साथ। जैसे अगर माइग्रेटरी पेन के साथ एक पेशेंट आया तो उसको हम 1 पॉइंट देंगे, यानी अल्वेराडो स्कोर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर उसमें एनोरेक्सिया भी साथ में है तो फिर वो 2 के इक्वल हो जाएगा। अगर उसमें नाउजिया भी साथ में है तो 0.3 हो जाएंगे। टी स्टैंड फॉर टेंडरनेस इन राइट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है। राइट लोअर क्वाड्रेंट में टेंडरनेस होगी अपेंडिक्स की जगह पे, जहाँ पे अपेंडिक्स लोकेटेड है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में टेंडरनेस होगी, यानी कि पेन ऑन टच होगा, ठीक है। वो टच भी नहीं करने देगा पेशेंट आपको, ठीक है। इतना ज़्यादा उसके जो है वो पेनफुल हो जाएगा रीजन, ठीक है। उसके बाद इसको भी हम नंबर 1 स्कोर इसको भी हम अलॉट करते हैं, ठीक है। देन वी प्रोसीड फॉर आर, और आर के अंदर क्या है, रीबाउंड टेंडरनेस। दिस इज के आप प्रेस करोगे एंड देन व्हेन यू टेक अप योर हैंड अवे, तो तब भी एकदम से आपका हाथ खींचने पे भी टेंडरनेस पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो दिस इज़ रीबाउंड टेंडरनेस, ठीक है। और ये क्या है, ई स्टैंड वो एलिवेटेड टेम्परेचर, ठीक है। रीबाउंड टेंडरनेस एक हॉलमार्क फीचर है अपेंडिसाइटिस का, और इसके लिए आप 2 मार्क्स अलॉट करते हो, ठीक है। उसके बाद एलिवेटेड टेम्परेचर है अगर, तो उसको भी आप 2 मार्क्स दोगे, क्योंकि ऑब्वियसली टेम्परेचर है तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है इन्फ्लेमेशन को, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस को, कि बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हो रहा है या इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ठीक है। इसको इंडिकेट करेगा, तो इसको ये भी हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है, इसलिए हम इसको भी नंबर 2 देंगे, यानी 2 मार्क्स इसको भी देंगे हम, ठीक है। उसके बाद एल इज़ फॉर ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। ऑब्वियसली जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, जब इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी के अंदर तो वाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा बॉडी में, जो है वो वाइट ब्लड सेल्स की अमाउंट बढ़ जाएगी, ठीक है। इसको भी हम 2 मार्क्स दे देंगे, ठीक है। उसके बाद एस से क्या हो जाता है हमारे पास, कि शिफ्ट ऑफ न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो शिफ्ट ऑफ न्यूट्रोफिल्स वही बात आ गई, ठीक है। अच्छा, तो ये हम ऑल टुगेदर अगर इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास मैक्सिमम स्कोर कितना बनेगा, 10 बन जाएगा मैक्सिमम स्कोर, ठीक है। तो ये हमारे पास था अल्वेराडो स्कोर, और हमने न्यूमोनिक के थ्रू इसको बड़े अच्छे से डिस्कस कर लिया, दैट इज़ मेंट्रल्स। तो अगर हम ये 2 चीज़ें मेन इनको हम याद रखें तो इंशाल्लाह हमें ये टॉपिक जो है वो भूलता नहीं है, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकली एज वेल एज क्वेश्चंस में भी और एग्जाम्स में भी बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।